दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए आपको दिखाने वाले वीडियो पाकिस्तान की हैं, जो कि पाकिस्तान की एक मोहतरमा बोलती है कि जो है हमको इंडिया वालों का नंबर दिला दो तो हम वहां सेटल होना चाहते हैं। एक नाबीना भाई है, विक्की इनका नाम है, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं और बहुत ही गाना उनका अच्छा लगता सुनने में। बने रहिए, वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है, तो ना देर करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। खूब कयामत होगी। और कोई नंबर दिलवा दें फिर वहां पे किसी का, इंडियन का। हाँ। मैं नंबर दिलवाऊं? चुप। अच्छा, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हो इधर ही मुंह खोलने की? हाँ। मैं नंबर दिलवाऊं? हाँ। चलो यार किसी को। तो इशारा में रियल कीता सी। नहीं। मीम से गाना सुनाओ मीम से। मेरे महबूब कयामत होगी, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। तुसी इशारा में रियल कीता सी। मीम से गाना सुनाओ मीम से। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब। कितना चला गया महबूब। हजूर बे से गाना सुनाए, मैं ना कोशिश की थी, मैं कहा गायन तो कितों लभ दे, फिर फटेगा बम फटेगा विकी के सर पे बम फटेगा। बे नहीं है, वाओ है। मैं बेनु तो आड़े करके लम्मा की था, मैंने नहीं पता, बे तो सुनाओ। नहीं नहीं वाओ से सुनाऊंगी। वाओ से वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने, ये मीठी बातें हाँ बरसाते, वो भीगी भीगी यादें यादें, ये हो गया नहीं हो गया नहीं, नहीं जी, ये से आपने गाना गाना है। ये ना गा लिया। नहीं गाओ ये से, चीटिंग नहीं करनी आपने। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो रे जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। प्यार अलिफ रे से नहीं करेंगे, अलिफ से करेंगे। आ तेनु सैर करावा, आ तेनु मौज करावा, आ तेनु चिप्स खवावा, आ तेनु लंदन फिरावा, आ तेनु इंटरव्यू करावा, निया इकरा तेरा खर्चा करावा, आ तेरे पले ओ खावा, आ तेनु सैर करावा। बड़ा हरामी हो। आ जे आ। हाँ जी, अभी फिर एसी पे खत्म हुआ, रेसी शुरू, अभी आपने भी अलिफ से ही गाना है। मैंने भी अलिफ से गाना है। हाँ जी। तो मैं तो गा लेना, मैं तो प्रॉपर सिंगर हूँ। हाँ जी, गाओ गाओ। अरे रे अरे ये क्या हुआ, मैंने ना ये जाना, अरे रे अरे बन जाए ना कहीं कोई अफसाना, अरे रे अरे कुछ हो गया कोई ना पहचाना, अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। ओए होए अफसाना। नून नून ना ना करते प्यार, हाय मैं कर गई कर गई।
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं इतना अच्छा गाना गा रही होती हूँ, ये जो साथ में टक टक शुरू हो जाती है, मुझे गाना ही भूल जाता है। दोबारा गालो, दोबारा गालो। हमारा ताली बजे, इसके हाथ बांध के रखो। नहीं जानता, तंबू ठोकने वाला थोड़ा होता, दोबारा गालो। झाड़ू में शैंपू लाया होता है। हाँ क्या था एंड पे? गाफ। घुंघटे में चंदा है फिर भी है फैला, घुंघटे में चंदा है फिर भी है फैला, चारों उजाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, अरे होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। गाओ वाला लाम लाम लाम। हाँ लाम गाल पेड़ा जी मेरे। खबरदार, मैं गाना गाया तो तुसी विच नान लाए ठा ठा ठा। मैं पहलो ला ले। ओके लाम लाम से लोर लोरे जिन लोर नी तकिया ओ जमिया नहीं, जिन लोर नी तकिया ओ जमिया नहीं। बीबी तेरी लोर लोरे। मेरे उस्ताद दा गाना खराब ना कर, वो एडी शक्ति दे नाल एडा खुशहाली ना गांदा सी। लोर लोरे लोर लोरे लोर लोरे जिन लोर नी तकिया जमिया नहीं, लोर नी तकिया जमिया नहीं, बले बले हकाल दही बले, बले बले हकाल दही बले। यकीन करो ना ता मजा आंदा सी। तुसी जिस हिसाब नाल गाया मैनू तो लगता है तौबा ए लोर लोर वी ता औला दी आवाज च कन्वर्ट हो गए। लार लारे लार लारे एडा ठंडा लार। मेरा दिल कर रहा मैं धक्का दूं यहां से ना गिर जाओ। मारो धक्का, यकीन करो मैं जिन्नी देर डैमेज रहांगा एहो कहांगा बरकतां वाला धक्का पिया। अच्छा लार लार जिन्ने तक क्या जमिया नहीं, यानी कि ये क्या, ये आंखें ये मस्ती ला ला ला। मैं नहीं ना पूरा गा रहा, मैं कहना कि तुम क्या मत क्या नहीं है की थी यार तवा ना लाओ, मैंने पता है हमने एंड करना है आर से गाएं। रब ना करे के ये जिंदगी कभी किसी को दगा दे, किसी को रुलाए ना दिल की लगी, मौला सबको दुआ दे, तेरे पहलू में जो रातें गुजारी, शबे महताब में नजरें उतारी, हम भी खड़े हैं उस मोड़ पे, कोई हमें भी सदा दे। ये ना गाने अच्छे गाते, लेकिन ये वाला गाना ऐसे गाया है जैसे हम तो खड़े हैं उसी मोड़ पे, कोई हमको सदका दे। चलो यार एंकर ना रहन दा को फायदा होया, जुगता सीख गई। अच्छा दाल से गाएं। दाल से दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान, पाकिस्तान चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान। इंडियन लड़के पसंद है या चाइनीज लड़के? चीनी चीनी बाय बाय इडियट्स राइट, क्योंकि मुझे चाइनीज बिल्कुल पसंद नहीं है। और सेकंडली अगर मुझे कोई पसंद है, मुझे इंडियन लड़के बहुत पसंद है। सर क्या बात है सर। फॉर एग्जांपल एक ड्रामा एक्टर है अभिषेक मलिक, ही इज क्यूट, ही इज हैंडसम और वो बहुत गुड लुकिंग है, ठीक है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और हाँ जी, और उसके अलावा अगर मुझे कोई पसंद है तो दैट इज रणबीर कपूर। और ऋतिक रोशन का डांस तो बहुत ही फेमस है, और शाहिद कपूर का तो ना पूछें, जो उसने कबीर सिंह में एक्टिंग कर दिया, उसके अलावा आउटक्लास एक्टिंग है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जो चाइनीज होते हैं ना दाढ़ी ना मूछे, वो लड़कियां लड़के एक समान ही लगते हैं। नहीं तो लेकिन उनकी आंखें बहुत क्यूट होती हैं चीनियों की। किधर से? चीनी चीनी तो आती नहीं है, तो क्यूट क्या है उसमें? क्यूट नहीं लगती तुम्हें? नहीं। इंडियंस में क्या क्यूट लगता है? यार वो हमारे पाकिस्तानियों जैसे ही होते हैं, हैंडसम क्यूट, उनकी जो स्किन होती है वो हमारी तरह ही ग्लोइंग होती है, तो वो और उनकी पर्सनैलिटी होती है हमारी तरह, लंबे चौड़े होते हैं, वो भी हमारे हमसाया मुल्क है। तो आपको कौन से पसंद है?
मुझे तो दोनों ही पसंद है जो चल जाए। और क्या क्या पसंद है इंडियंस में? इंडियंस में सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वाह वाह, तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। बताए बताए। मारिया तारी दाल थोड़ी सी आजकल टेढ़ी है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। और क्या लेने आई है यहाँ पे? यहाँ पे मैं आपको इंटरव्यू देने आई हूँ। इंटरव्यू देने में बस यही मकसद है दुनिया का है? बस यही यही। मैंने कहा कहीं पे मुझे निमरा मिल जाए, इतनी मैं आपकी बड़ी फैन हूँ, आप मुझे मिले, मैं आपको मैं मर जावा गुड़ खा के। हाय मैं मर जा। नहीं नहीं, आपकी बातों की मिठास से। अच्छा नहीं यारी, समझ गई। अभी नहीं मरना। जानू मुझे बताओ, यहाँ पुंडी तो नहीं करने आई? नहीं मैं शरीफ बच्ची हूँ। ओहो, एड्डी शरीफ तो रहन भी नहीं। मुझे बताओ, चीनी लड़के पसंद है या इंडियन लड़के पसंद है? चीनी लड़के पसंद है या इंडियन लड़के पसंद है? यार चीनियों का तो पता मतलब उनका तो पता ही नहीं चलता यार कि क्या पता नहीं लगता लड़के हैं क्या लड़कियाँ हैं, या मतलब दाढ़ी भी नहीं होती यार उनकी। मतलब मुझे तो सेक्सी लगते हैं लड़के जिनकी हल्की बियर्ड वाले पसंद है। हाँ यार, अरे जिनकी हल्की हल्की, वो बहुत लंबी वाली नहीं, जिनकी वो हल्की हल्की हुई शेप मुंह के साथ चिपकी हो। हाँ वो जो एक दो दिन की जो शेप बड़ी हुई होती है वो वाली अच्छी लगती है। और तो वो तो शेप करने के बाद एक दो दिन में आ जाती है। हाँ वही 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 वाली। और फिर उसके बाद जो मुझे डस्की लड़के अच्छे लगते हैं, मुझे चिट्टे लड़के बिल्कुल ही नहीं अच्छे लगते। ठीक है ओके, मुझे वैसे इंडियन लड़के भी पसंद है। अब ये ना पूछेगा कि कौन नहीं पसंद और कौन पसंद, ऐसे पूछ सकते हैं? पूछना आप बताएं। मेरे दिल की बात है बता दूंगी। बताएं। अब आप टाइगर श्रॉफ का नाम लेंगे तो फिर मैं नहीं, आप लेंगे? हाँ नहीं, अब पहले उनकी बियर्ड नहीं थी, अब बियर्ड है। तो यार मतलब समझ लो कि सेम है, 50-50 ना सेम है। तो वो चीज़ मतलब फ्लेक्सिबल बॉडी है और सिक्स पैक्स हैं। सिक्स पैक्स अच्छे लगते हैं वैसे। सेक्सी लगता है? हाँ मच गई हैं, सेक्सी लगता है, हॉट कह सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा वसीम। फातिमा वसीम, क्या करने आई हो यहाँ? यार मुझे चीनी एक्टर्स में से किसी का पसंद ही नहीं। देखा तो है ना तुमने? नहीं नहीं, जैकी चैन पसंद है और वो बहुत पसंद है यार, उसकी मूवीज देख के बहुत मजा आता है। अच्छा, मूवीज देख के अपीयरेंस नहीं पसंद की? मतलब वो थोड़ा सा मजे का लगता है उसके। चेना भी था ना, मेरे दिल डाले, मेरे दिल का ले गई चैन, वो जैकी चैन की फैन। हाँ तुझे अक्सर बीच घुमा दूंगा चलती क्या, जैकी चैन से तुझे मिला दूंगा जल्दी क्या, बोलती क्या है ना। तो यार वो ये है कि जैकी चैन को वो देख ना, एक उसके चेहरे को देख के आपको वैसी स्माइल आ जाती है, तो इसलिए मतलब पॉजिटिविटी से लगती है उसके चेहरे पर, तो उसकी मासूमियत। हाँ हाँ, तो इसलिए वो अच्छा। जैकी चैन पसंद है। अगर वो बाकी चाइना से है मतलब मुझे सही पता नहीं है, लेकिन उसकी मूवीज देखती हैं और वो पसंद है। अच्छा, और परमानेंट होना चाहोगे इंडिया में? उनके बियर्ड इतनी खूबसूरती की वजह से परमानेंट होना चाहोगे? अब तुम जानती हो कि परमानेंट का मीनिंग क्या है। परमानेंट हो जाऊंगी यार। देखो एक चीज़ होती है कि आपको शादी का और मरने का, पैदा होने का कोई खास पता नहीं होता, आपने किधर पैदा। ख्वाहिश ख्वाहिश। अगर पाकिस्तान में ना की तो फिर इंडिया में डन डन है, इंडिया में डन करो फिर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड सेक्सी? नहीं मींस के यार देखिए, सेक्सी और हॉट लड़कियों पे यूज होता है, लेकिन हॉट जो हैंडसम चार्मिंग लड़कों पे यूज होता है। माय गॉड, बड़े तुम्हें डिटेल्स पता है। अब हमें नहीं पता होगा तो और किसका पता होगा। अच्छा, इंडियंस में तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कोरियंस में तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट है? 50-50 है, मैंने बताया आपको 50-50, क्योंकि उधर भी वहाँ क्लीन शेप की बात नहीं हो रही, वहाँ पे बियर्ड की बात हो रही है। इंडियंस की तरफ तो बियर्ड की बात, तो अगर कोरियंस में जाए तो क्लीन शेप वाली बात। क्यूटनेस दोनों में से किन में ज़्यादा? इंडियंस में। कैसे? बियर्ड है ना यार, और ये जो ये वाली जो एक्सप्रेशन देते हैं वो तो गुज्जर टाइप नहीं लगते ऐसे ऐसे? गुज्जर जरूरी नहीं है कि गुजरों की ही ऐसी दाढ़ी होती है या मूंछें होती हैं, वाले क्यूट लगते हैं। हाँ क्यूट नहीं मतलब यार, दिखने में तो वो बड़े गब्बर सिंह लगते हैं, लेकिन लड़कियों के मामले में बहुत शाये होते हैं। अच्छा, मुझे लगता है तुम्हारा बड़ा एक्सपीरियंस है। नहीं एक्सपीरियंस नहीं है, बस बता रही हूँ। मतलब सॉन्ग सुनती हूँ आगे, इंडियन के सिख वाले और ये सब ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है। चाइनीज क्यों नहीं पसंद? चीनियों को कौन पूछते हैं खुदा के लिए। हाँ कोई रीज़न तो होगी। रीज़न ये मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। कोई रीज़न नहीं है, बस ऐवे रिजेक्ट का ठप्पा लगाया हुआ बेचारों पे। मुझे चाइनीज पसंद ही नहीं है। इंडिया में परमानेंट होना चाहोगी? सेट वेट मैं चाइनी इंडियन लड़के बड़े पसंद है ना मुझे। जरूर लोग पसंद है, जितने लोग पसंद है सारे शादीशुदा, इसलिए मेरा कोई चांस ही बन सकता। हो तुमने कहा कि वहाँ के लड़के प्यारे होते हैं, कोई प्यारा लड़का मिल गया फिर? नहीं मिलेगा मुझे।
यार इतनी प्यारी है, क्यों शक कर रही हो खुद पे? मैं खुद पे शक ही नहीं कर रही। फिर मुझे बता, बट कभी गरूर भी नहीं किया। फिर क्यों नहीं मिल सकता? नहीं ना यार, मिल गया फिर। लेट्स सपोज मिल गया फिर भी मैं अपना मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? इंडियन लड़के बड़े प्यारे होते हैं। मुझे पता है प्यारे पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। इंडियन लड़के पाकिस्तान में प्यारे लड़के जरूर मिल जाएंगे। इंडियंस बीएड की वजह से, वो भी लड़की ने पसंद किया। नहीं बीएड की वजह से, डस्की होने की वजह से। और यार हैंडसम होते हैं, मुझे लगता है हमारे जो एशिया के, ये जो पाकिस्तान और इंडिया के जो लड़के हैं ना, वो बहुत हैंडसम होते हैं, तो इसलिए। क्यूटनेस किसकी ज़्यादा है? आई थिंक चाइनीज की, क्योंकि उनकी बियर्ड नहीं होती ना। मतलब क्यूट होना यार लड़कियों के लिए वर्ड है, क्यूट होना। ये जो लड़कों के लिए भी तो टॉन्ट हम मारते हैं ना। हाँ मतलब वो फिर क्यूट ना, दूसरे वाला क्यूट हो जाता है वही वाला। अगर ये पसंद आती है तो यार दे दो इसको अपना नंबर। कमेंट बॉक्स में अपना नंबर शेयर करें। कर लोगी बात? ना कर रही हूँ, सीरियस तो अगर नहीं अब वो करेंगे बात। चलें अब करेंगे तो कर दीजिएगा, मेहरबानी होगी आपकी बहुत। दोस्तों आपको वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय देना। तब तक के मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।